पेशकश, स्वागत है आप सभी का वी नेशन न्यूज में। रैपिड रेल पहुंचाएगा दिल्ली से मेरठ अब एक घंटे से भी कम समय में। क्या है रैपिड रेल, आइए जानते हैं। दिल्ली से मेरठ तक बन रही देश की पहली रैपिड रीजनल रेल का मॉडल कोच बुधवार को गाजियाबाद पहुंच गया। मुरादनगर क्षेत्र के दुहाई में नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC का डिपो है, जहां इस कोच को रखा गया है। दावा है कि रैपिड रेल के सभी कोच अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इसकी सीटें हवाई जहाज जैसी होंगी। फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। इस साल के अंत तक रैपिड रेल का फुल स्पीड पर ट्रायल होने की उम्मीद है। कोच में वेलवेट की सीटें हैं। इसमें बैठने पर मखमली एहसास होगा। हर सीट में इतना गैप है कि स्टैंडिंग स्पेस आरामदायक होगा। रैपिड रेल के प्रत्येक कोच में दो दो ट्रांसफर सीटिंग है, यानी यात्री आमने सामने बैठ सकेंगे जैसे सिटिंग मेट्रो में होती है। आइए जानते हैं कोच की खासियतें। रैपिड रेल में फिलहाल 6 कोच होंगे। कहा जा रहा है कि लोड बढ़ने पर ये कोच बढ़कर 9 तक किए जा सकते हैं। एक कोच में पूरी तरह प्रीमियम क्लास होगा, जिसमें एंट्री एग्जिट के लिए दोनों तरफ दो दो गेट और स्टैंडर्ड कोच में तीन तीन ऑटोमेटिक गेट होंगे। ट्रेन में दो दो ट्रांसवर्स सिटिंग, आरामदायक स्टैंडिंग स्पेस, लगेज रैक, CCTV कैमरे, लैपटॉप मोबाइल व अन्य गैजेट्स की चार्जिंग सुविधा, डायनामिक रूट मैप होगा, यानी यात्री फ्री वाईफाई का इस्तेमाल कर सकेंगे। हर ट्रेन में एक कोच वुमन स्पेशल भी होगा। रैपिड रेल कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम एरिया तक करीब 82 किलोमीटर लंबा है। इस दूरी को तय करने में सिर्फ 55 मिनट लगेंगे। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली के दो प्रमुख रेलवे स्टेशन सराय काले खां और आनंद विहार कनेक्ट किए जाएंगे, जबकि इसका ट्रैक रूट सराय काले खां से शुरू होकर न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, गाजियाबाद में साहिबाबाद, गाजियाबाद, दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ में परतापुर, रेठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, बेंसाली डिपो, बेगमपुल, MES कॉलोनी कैंट और मोदीपुरम तक है। इस प्रोजेक्ट पर कुल रकम 30,274 करोड़ रुपए खर्च होगी। गाजियाबाद से मेरठ के बीच रैपिड रेल के पिलर बन चुके हैं, उन पर पटरियां बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम से चलने वाली रैपिड रेल के कोच गुजरात में सावली स्थित एल्स्टॉम प्लांट में तैयार किए जा रहे हैं। अब तक करीब 210 कोच तैयार हो चुके हैं, यानी करीब 40 ट्रेन सेट। शुरुआत में गाजियाबाद के दुहाई डिपो में ट्रायल ट्रैक तैयार हुआ है। यह करीब 1 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। इसी ट्रैक पर मॉडल कोच को गुजरात से लाकर खड़ा किया गया है। इंजीनियर्स ने बताया कि रैपिड रेल के ब्रेक सिस्टम अत्याधुनिक है। ब्रेक लगाने पर पटरियों पर करीब 30% ऊर्जा पैदा होगी, जिसे इस्तेमाल में लिया जाएगा। अन्य ऐसी जानकारी भरी खबरें सुनने के लिए जुड़े रहिए वी नेशन न्यूज के साथ।